नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। न्यायालय में वाद, अपील और प्रार्थना पत्र को दाखिल करने के लिए, न्यायालय में सुनने के लिए एक निश्चित समय होता है, एक अवधि होती है, जिसके अंतर्गत वाद को, अपील को और प्रार्थना पत्र को न्यायालय में दाखिल किया जाता है। जब वो समय सीमा बीत जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय उस प्रार्थना पत्र की सुनवाई तभी कर सकता है जब प्रार्थी, अपीलार्थी या आवेदक या वादी अपने उस प्रार्थना के साथ एक और प्रार्थना पत्र भारतीय न्याय अधिनियम 1963 के दफा 5 के अंतर्गत वह प्रार्थना पत्र देगा और उसमें कहेगा कि किन वजहों से वह न्यायालय में आने से देरी कर दिया। अगर वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि आने में देरी किस वजह से हुई, तो न्यायालय उन वाद, अपील और प्रार्थना पत्रों को सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।